वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने बल्टाने का मुआयना लेने। सिमर जी आ गया, आर्किटेक्ट। इन्होंने बल्टाने की वो करी थी निकासी पूरे की। अब देखने जा रहे हैं कौन कौन सा बल्टाना डूबा है या नहीं डूबा। अब बताओ जो वो कह रहे थे चंडीगढ़ डूब गया भाई, पंचकूला भी डूब गया और यहाँ डेरावसी तक भी डूब गया, बट हमारा बल्टाना नहीं डूबा। ये देख लो, एक भी पानी की कुछ नहीं खड़ा, देख लो एक भी आइटम, और हर जगह डूब गई। अब आपको ना एक जगह लेके चलते हैं, वो दिखाते हैं कि सुकना लेक से जो पानी छोड़ा गया है ना कि कितना है कितना नहीं है, वो दिखाते चलो। क्या भाई, ये देखो अब पहुंच गए हम, हमारा बल्टाना डूबा। बल्टाने के बाहर की जो जगह है ना वो सारी डूब चुकी है। और ये देखो पानी पानी कितना हो रखा है, बारिश के बाद का कहर है भाई। लोग देखो कैसे आ रखे हैं, ये देखो पूरा एरिया पुल पाल सब डूब रखे है भाई। बंदे कैसे घूम रहे हैं अंदर अंदर, आते सिमर आगे कुछ ले। ये देख लो भाई कैसे रखे, वो ना पुलिस चौकी यार वहाँ से बल्टाने से बाहर, वो भी डूब रखे हैं। ये देखो पूरा, हम आगे नहीं जाएंगे ना रिस्क लेना भाई, क्या फायदा। ओ भाई साहब यहाँ देखो आप कैसे हो रखे हैं, बहुत कम है पुल पाल सब गिर गए। हाँ हाँ पूरा ऊपर, इसके ऊपर से तक था पानी। वो देखो आगे चौंक लेके आगे तक चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। आजा सिमर आगे तक चलते हैं। ये देखो भाई भाई दो दिन की बारिश ने बिल्कुल नाश मार दिया। कुल्लू मनाली मनुली शिमला हाईवे चंडीगढ़ सारे डूब गए। 14-15 सेक्टर वाली रोड तो अंदर से खाली होगी पूरी, टूट गई पूरी। और ये देखो भाई एक चीज दिखाता हूँ, ये है पानी देखो कहाँ से आ रहा है। ओ भाई साहब रोड टूट गई। ओ भाई ये देखो रोड टूट चुकी है भाई, ये है हम भाई रोड खत्म हो चुकी है। और पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे पुकिंग स्पॉट आ रखा है। हाँ देख सकते हो, हमने एक जगह देख लिया। कुत्ते को डर नहीं है भाई, कुत्ते को बिल्कुल भी भाई। टूट गई पूरी है तो अरे सब कुछ टूट चुका है, कुछ भी नहीं मिला, कितना आया होगा पानी का। हाँ वो देखिए सारा खत्म हो रखा है यहाँ से, वो गिर रहा है टूट टूट के, ऐसा कुछ हो रखा भाई। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, मैं और सिमर देखते हैं कहीं और भी अगर हम जाते हैं, कहीं और का भी दिखाते हैं तो निकलते हैं। आज ये डिस्कवर करेंगे बारिश का क्या कहर है। गुरुद्वारा नहीं डूबता भाई, जो मर्जी हो जाए। व्यू देख लो एक नंबर आ रहा है, आ रही है ना बातचीत। मेरे को तो असली में देखने में गंदा लग रहा है, फोन में देखने में बढ़िया लग रहा है। अब हम जा रहे हैं भाई दूसरा व्यू पॉइंट देखने, बिल्कुल बढ़िया वाला। अब वहाँ पे जाके देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं, फिर आपको दिखाते हैं भाई। हमें मिल गया बीटी, क्योंकि पुलिस खड़ी है सारी जगह, नक्के लग रखे हैं, हर जगह बंद है और सीन सून फट फट रखे हैं पूरे। आगे भी पुलिस वाले खड़े हैं, तभी अपने घरों में बैठ रही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आज रोमांचक ही होगा कुछ। घर बड़ा सही बन रहा है, जो हमने दूसरी जगह दिखाने जानी थी ना वो हम दिखा नहीं पाएंगे, सॉरी। क्योंकि अब हमें अपने बल्टाने में घुसना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया देख सकते हो। और ये घर देखो यार, पंचकूले में बातचीत है घरों की, है ना सिमर? मुझे क्या पता, ये 12 बुरा है सही है। यहाँ का अफोर्ड कर सकता हूँ एक नंबर। चलो निकलते हैं, हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे घर के लिए, अब कहाँ ही पहुँचेंगे फिर आपको दिखाएंगे। भाई सीधा आ गया अपने घर पे, और अब इस ब्लॉग को करेंगे कल कंटिन्यू, क्योंकि आप तो बारिश पड़ गई थी और हमें बीच में पुलिस वाले भी मिल गए थे, फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। अब मैं आ गया हूँ घर पे, अब चलते हैं अंदर और कल मिलेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग, और ये आज और अगला दिन मुंह देख रहे हो, आज ठीक है क्योंकि दवाइयाँ चल रही है, जो सर्जरी हमारी कंप्लीट हो गई थी। और ये देखो बारिश ही बारिश हो रखी है, बारिश भाई कल से बंद ही नहीं हो रही, और इस टाइम मैं हाउसिंग बोर्ड चौक पे खड़ा हूँ। मैंने कहा चलो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं जहाँ जा रहे हैं, आज हमारा लंच है दा ललित में, तो वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। मैंने कहा सोचा आप डेट ही दे दो थोड़ी सी, मैं भूल गया था पहले कि भाई ब्लॉग भी बनाना है। चलो अब देखो आप नज़ारे कैसे हो रहे हैं, बाहर बारिश कितनी तेज़ हो रही है,
लोग देखो हमें देख रहे हैं कि हम फोन उठा के क्या कर रहे हैं। मिलते हैं चलो जाके। वही पहुंच गए ललित की पार्किंग में और ये देखो बोला भी नहीं जा रहा भाई, वो रखे बोरी पानी पानी हो रखा। अब देखते हैं कहाँ से ऊपर जाना है, तो मिलने हमें कुछ रहा नहीं अभी। अच्छा ये लिखा हुआ एलिवेटर, हम निकलते हैं एलिवेटर की साइड और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको कैसा है द ललित अंदर से। मिलेगा भी लंच या नहीं देखते हैं। जहाँ हमने जाना था ना वहाँ आगे ये ललित का बैक ग्राउंड फ्लोर कुछ ऐसा। अब अंदर चलते हैं और मिलते हैं अंदर, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया मेरे को लग रहा है। तो भाई खाने पीने पर आ गए, देखो साड़ी आ गई रेड वेलवेट चोक आइसक्रीम चॉकलेट जो भी है क्रॉसोन आ गए। नाले मेरा भरा देखो आया नाला गढ़ तो घूमन मेरे उत्थे है बाथरूम, हूँ जा रहे हैं बाथरूम कर मिलते हैं बाथरूम से जाके। एक नंबर बातचीत है वीरे दी वो इत्थे है वीरे। अच्छा आ वाला है, चल इत बढ़ जाते हैं। चलो भाई बंद कर देंगे है शीशे मुझे खट जाने बेड़े भाई। देख लो दो दो हजार रुपये ला के भी सू क्या मिले, कचोरियाँ और आलू प्याज के पकौड़े भाई भी खा रहे हैं। मंगा खाओ खाओ भाई सच्ची बन रहा ब्लॉग तेन पता नहीं भाई का चैनल है। खाने पीने के बाद तुम्हारा भाई ये देखो अगर रिसेप्शन दिखाने वो जा रही मेरी फ्रेंड वेनीसा। बाय वेनीसा, मिलेंगे हम फिर कभी दोबारा। ये देख लो भाई ऐसा कुछ है ललित का अंदर का, सही है यार बातचीत आती है जमी बिल्कुल। नमस्कार, ये मेरा दूसरा भाई साहिल खड़ा है यहाँ पे, सही है। चलो अब यहाँ से निकलेंगे फिर मिलते हैं आपसे, घर जा रहे हैं हम तो सीधा, थक गए क्योंकि भाई देख रहे हो भाई अभी भी बारिश हो रही है कितनी और यहाँ पे बुरा हाल हो रखा। और ये भाई देखो बीच में फंसने वाले काम कर रहा है जमी देखो। चलो कोई नहीं मैं भी मारता छिटे, पूरा मजे आ रहे हैं देखो। और ऊपर पहाड़ियों का नज़ारा देखो कितना मस्त आ रहा है। अब हम जा रहे हैं पहले एक्सरे करवाएंगे अगर होता है, नहीं तो फिर घर चलते हैं सीधा। भाई ने किस्ती बना रखी थी किसी ने, देख रहे हो मजे आ रहे हैं पूरे। चलो मिलते हैं आपसे, पहुंच गए सीधा एक्सरे वाली जगह पे। और ये देख लो जगह कैसी है भाई, जब मैं कपड़े कुपड़े जैसे सुखा रखे हैं यहाँ तो ऐसा लगा धोबी घाट में बैठा तुम्हारा भाई। मगर कोई नहीं मेरे को एक मिनट इस पर ना वो लग रहा है थोड़ा सा, अब क्लियर आ रही है। हम देख लूँ पहले पता चले मैं रिकॉर्ड करूँ और कैमरा बंद हुए तो भाई एक्सरे का मैंने बोल दिया। अब मेरा नंबर लगेगा फिर हम एक्सरे करवाएंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे घर। सारे रास्ते बंद हो रखे हैं चंडीगढ़ के, वो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। अभी मैं जाम गया था ना वहाँ भी किलो किलो के हिसाब से पानी भर रखा था। चलो होप फॉर दी बेस्ट कि क्या ठीक होता है, कब तक ठीक होता है, सरकार क्या करेगी उसके बारे में देखते हैं। और तो क्या ही बोलूँ मैं भाई, तुम्हारा आ गया घर पे और जैसे एक्सरे हुआ और पंखे से बढ़ गए वो आपको बताएंगे इन फ्यूचर क्या क्या पंखे बढ़ रखे हैं क्या क्या नहीं। जब भी डॉक्टर डॉक्टर पे जाऊँ ना उसने कुछ तो बीमारियाँ निकलती ही हैं यार, क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, बाकी बारिश से बचो भाई जितना बच सकते हो बचो। तो अब देखते हैं कहीं अगर बाहर जाएंगे शाम को या कुछ भी करते हैं तो आपको बताएंगे, नहीं तो इस ब्लॉग को करेंगे हम एंड। जो भी है बने रहना बस। लो भाई दिन से हो गया रात और अब हम निकल रहे हैं। ये मेरी माता बैठी देखो कैसे, चलो अब निकलते हैं। मंगला जी का फ़ोन आया कि आ जाना कि कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा ठीक है चल जाते हैं, अब रास्ते में कुछ खाने के लिए उसके लिए लेके चलते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई मंगला जी के लिए लेने हमने पिज़्ज़ा स्टेट पहुँच गए हमारी जगह पे। ऑर्डर मंगला जी के लिए हमने दे दिया है, क्या क्या मंगाई है खासी आइटमें मंगा दी, खाना हमने कुछ है नहीं फिर भी हमने दे दिया आइटमें। अब लेंगे और फिर चलेंगे अपनी प्लेस पर। याद है यहाँ पर हमने चैलेंज शूट करा था अपना, एक और चैलेंज आने वाला है। Meanwhile, भाई खाने पीने में ना ज़्यादा बिजी हो गया था इसलिए ना वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। चलो रात के बज गया एक और करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ कमेंट कर दिया करो यार, भाई की बहुत दर्द हो रहा है देख सकते हो, मुँह सूझा पड़ा है बट फिर भी कर दो करो यार, सपोर्ट मिलती है प्लीज़। चलो ओके मिलते हैं फिर।